वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में, वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस और दूसरा मोबाइल नेटवर्क। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस के सेक्शन पे। ये हमारा सेक्शन रहा, ये हमारी वाईफाई ब्लूटूथ की नेटवर्क आईसी है और जीपीएस का भी काम यही आईसी करती है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह के कनेक्शन है और ये घूम फिर के गए हमारे उधर वाली आईसी में, डब्ल्यूटीआर और पावर में। देख लीजिए ये कि इधर से कनेक्शन यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए। इसका कनेक्शन गाइस सिर्फ चार ही जगह गया हुआ है। चार जगह कौन कौन सी हो गई हमारी, एक ये वाली पावर और एक दूसरी वाली पावर और WTR ये वाली जो रहती है SDR। तो ये दो ही जगह गया। ये हो गया हमारा वाईफाई ब्लूटूथ का सेक्शन और ये इसका एंटीना पॉइंट रहा। तो अब आ जाते हैं हम हमारे नेटवर्क सेक्शन पे। तो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है कुछ इस प्रकार का। हमारी यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, नेटवर्क आईसी, और दूसरी हमारी इधर में लगी हुई आईसी नेटवर्क की, एक WTR पावर से ही कनेक्शन गए हुए। तो गाइस इसके अंदर PFO लगा हुआ है ये वाला और एक ये 4G बैंड आईसी लगी हुई है, आपको दिख पा रही होंगी, देख लीजिए। तो इस तरीके का ये नेटवर्क कनेक्शन है। अगर आपको कुछ चेक करना हो डायग्राम में, वैल्यू, रजिस्टर्ड वोल्टेज, तो आप ये चेक कर सकते हो कि कनेक्शन कैसे क्या गए हुए, उसके लिए ही ये वीडियो बनी है। तो चलिए बस आज का टॉपिक इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक के हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।